हाल ही में रणधीर कपूर और बबीता कपूर को एक बार फिर से स्पॉट किया गया अपनी बेटी करिश्मा कपूर के घर जाते थे। और जब बबीता और रणधीर को वहां स्पॉट किया गया, मीडिया वाले भी पहुंचे। मीडिया वालों के सामने बबीता तो स्पष्ट नहीं थी, वो फोटोज़ क्लिक कराती नज़र आई, लेकिन रणधीर को ज़रा भी मूड नहीं था फोटो क्लिक कराने का। रणधीर ने एक स्माइल तक नहीं की, वो बिल्कुल भी इस वक्त फ़ोटो क्लिक कराने के मूड में नहीं थे। रणधीर और बबीता कपूर दोनों ही जो नर्स और स्टाफ के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं, दोनों ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं नर्स और स्टाफ के सहारे। 35 साल एक दूसरे से दूर रहे रणधीर और बबीता क्यों एक दूसरे का सहारा बुढ़ापे में नहीं बन पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण आपको बता दें, दरअसल दोनों ही चलने के लिए हर कदम पर स्टाफ और नर्सों पर डिपेंडेंट हैं। और इसीलिए रणधीर और बबीता को अपनी बेटियों के करीब एक मकान में शिफ्ट होते देखा गया जब राजीव गुजर गए ऋषि के साथ। ऐसे में हमारे इस रिपोर्ट में आपको ये भी ज़रूर बताना चाहेंगे, अपनी बेटियों के लिए रणधीर और बबीता ने जो किया, इसके बाद उन दोनों को ही बुढ़ापे में अपने दोनों ही बेटियों का खूब सपोर्ट मिल रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि रणधीर और बबीता जो अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं, बुढ़ापे की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों का प्यार की वजह से इस उम्र में बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिल रही है। नेक्स्ट 9 लाइव से रितिक रिपोर्ट।